चुड़ैल की पायल। रामनगर में शांति नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे पायल बहुत पसंद थी। उसका घर हमेशा पायल की छनकार से गूंजा करता। एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसे हमेशा घुंघरू वाले पायल पहनकर घूमा मत करो, वरना किसी दिन कोई तुझे चुड़ैल समझ लेगा। अजीत चुप रहो, आप भी कुछ भी कहते हो, इन पायल में तो मेरी जान बसती है, भला ऐसे कैसे कोई चुड़ैल समझ लेगा मुझे। अब शांति चाहे जो समझे, उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और आखिरकार एक दिन होता भी कुछ ऐसा ही है। आधी रात में अचानक से शांति की नींद खुलती है और उसे जोरों की प्यास लगती है। यार बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन घर में तो पानी बचा ही नहीं है। फिर शांति रात को कुएं पर पानी भरने जाती है, लेकिन उसके पायल की आवाज वे गांव वालों के कानों तक पहुंचती है और उन्हें लगता है कि कोई चुड़ैल गांव में घूम रही है, जिसके बाद सभी मशाल लेकर आते हैं और शांति को चुड़ैल समझ के पेड़ में बांध कर उसे मार देते हैं, जिसके बाद शांति चुड़ैल बन जाती है। वैसे तो वो किसी को सताती नहीं है, लेकिन उसके पायल का शौक मरने के बाद भी नहीं जाता। मरने के बाद शांति का ये शौक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये गांव वालों ने मुझे पायल की वजह से ही मार डाला ना, एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में एक पायल नहीं बच पाएगी। फिर शांति हर रात गांव में जाकर लोगों के घरों से पायल चुराने लगती है। वहीं गांव में ये बात तेजी से फैलती है कि गांव में कोई पायल चोर आया है जो पायल चुरा कर चला जाता है। पहले तो गांव वालों को ये बहुत ही मामूली सी बात लगी, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव की औरतों की पायल जब गायब होने लग गई और गांव में चांदी का एक भी टुकड़ा नहीं बचा, जिस कारण गांव की सारी औरतें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। वहीं चुड़ैल मजा आया ना, मैं तो यही चाहती थी कि गांव में एक भी औरत के पैर में पायल ना रहे, और देखो आज सब कितने दुखी हैं। वहीं शांति के घर में पायल का ढेर लगा हुआ है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब मैं सो जाती हूँ, रोजाना मैं अलग अलग पायल पहन कर जाऊंगी और गांव में नाच कर लोगों को डराऊंगी। फिर शांति चुड़ैल सो जाती है। वहीं रघु नाम का एक चोर शांति के घर के सामने से जा रहा होता है। ये घर तो बहुत दिनों से बंद मालूम हो रहा है, चलो अंदर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे मेरी कोई काम की चीज मिल जाए। फिर रघु चोरी के इरादे से घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ ढेर सारी चांदी की पायल पड़ी हुई है। इतनी सारी चांदी, वाह, आज तो मेरी लाइफ ही सेट हो गई। अब मैं इन्हें ले जाकर बेच दूंगा, मुझे इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर चोर सारी चांदी की पायल चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो, वो चोर मेरी पायल चुरा कर भाग रहा है। शांति का शोर सुनकर रमेश की भी नींद खुल जाती है कि तभी शांति चुड़ैल की नींद खुल जाती है। कौन पायल चुरा कर भाग रहा है? पायल तो तुम्हारे पैरों में ही है। मेरे पैर में पायल? हाँ हाँ। फिर शांति अपने आप को देखती है। इसका मतलब ये सपना था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। इसके बाद शांति पायल उसी हिसाब से पहनती है जितनी उसे जरूरत है, और उसे अकल आ जाती है कि किसी भी चीज की अति अक्सर बुरी होती है।